हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज रोनित। आई एम एन आईआईटी ग्रेजुएट एंड मैं काफी सालों से स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और काफी लोगों को बैच फ्लावर थेरेपी से हील किया हूँ और अभी लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ बैच फ्लावर लेवल 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम से। और आज मेरे साथ है शेफाली जी, जो कि सर्टिफाइड काउंसलर है और हिप्नोथेरेपिस्ट है, और बैच फ्लावर से इन्होंने भी लोगों को काफी हील किया है, बैच फ्लावर लेवल 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाती है। सो वेलकम शेफाली जी। सो अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं बैच फ्लावर और मेडिटेशन। मेडिटेशन में बेसिकली बैच फ्लावर किस तरीके से मदद कर सकता है, राइट? सो शेफाली जी, सो थैंक यू रोनित फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, आज हम सब डिस्कस करेंगे, जैसा कि रोनित ने अभी बताया, कि मेडिटेशन में बैच फ्लावर का क्या महत्व है, कैसे वो हमारे मेडिटेशन को और भी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर बना सकता है। पिछले मैं अगर कुछ सालों से बात करूं, कोरोना टाइम से, तो आप देखिए माइंडफुलनेस की बात होने लगी है, मेंटल हेल्थ के बारे में लोग खुल करके बात करते हैं एंड ध्यान की तरफ उनका बहुत ज्यादा आकर्षण बढ़ा है, योग की तरफ, आध्यात्म की तरफ। तो रौनित, मेरे पास कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस मार्ग पर हैं, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हैं और बहुत ज्यादा ध्यान योग करते हैं, तो उनका ये मेरे से क्वेश्चन रहता है कि अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर बैचलर की हमें क्या जरूरत है। तो आई होप आपके पास भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो आपसे इस तरीके का प्रश्न करते होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे रौनित इसके बारे में? देखिए, बैच फ्लावर रेमेडी से बहुत मदद आ सकता है। देखिए, बेसिकली ये समझते कि मेडिटेशन करते वक्त प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है लोगों को। कुछ लोग है कि मेडिटेट करने बैठना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, बट उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। देखा है आप लोगों ने, राइट? और क्या है, जैसे मेडिटेशन में बैठ तो गए, बट बैठने के साथ साथ बहुत माइंड में बहुत सारे थॉट्स का बम्बार्टमेंट हो जाता है। या बैठ गए तो कुछ काम करना है, उससे मेडिटेशन खत्म होने की भी हड़बड़ी रहती है, राइट? या फिर क्या है कि आप मेडिटेट कर रहे हो बट प्लानिंग मोड में चले गए, बहुत ज्यादा मन में प्लानिंग कर रहे हो, ये करूंगा ये करूंगा, मेडिटेशन खत्म होने के बाद ये करूंगा, राइट? बिल्कुल जी। या जीवन में ये करूंगा, राइट? या फिर पास्ट की कुछ बात जो है, जो आपने लाइफ में देखा है, उसके बारे में आपका विचार अटक गया है, राइट? या फिर कुछ लोग इस पाथ पे अपना सोल पर्पस ढूंढना चाहते हैं, तो मेडिटेशन के थ्रू और आसानी से, बेस्ट पावर के थ्रू और आसानी से भी ढूंढ सकते हैं, राइट? तो थोड़ा बताइए कि कौन सा रेमेडीज है जो इस सब से अपन को बाहर निकाल सकता है बेस्ट पावर में। रौनित, उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना सोल पर्पस बैचलर थेरेपी या दी रेमेडी के थ्रू ही पाया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले बहुत हम सालों लोग से इस भी फील्ड में थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, बट दिस वॉज द रेमेडी जिसने मुझे मेरे सोल पर्पस से मिलाया। सो आई एनीवेज, हैड अ आपका जो सिमिलर क्वेश्चन था एक्सपीरियंस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस सिमिलर। सो अभी आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी रेमेडीज हैं जो लिस्ट ऑफ रेमेडीज जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगी। जैसा कि आपने बोला कि कुछ लोग के इतना सारा विचारों का बॉम्बार्डिंग हो रहा होता है उस समय जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं कि उनका मन टिक नहीं पाता, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास व्हाइट चेस्टनट है। कुछ लोग फ्यूचर प्लानिंग्स में चले जाते हैं, उनको वो सोच रहे होते हैं कि मैं कल कैसे करने वाला हूँ, भी मैं बिजनेस को कैसे बढ़ाने वाला हूँ, या गृहणियां सोच रही होती है मैं अपनी फैमिली को कैसे आगे लेकर के, हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बट मेडिटेशन का अर्थ होता है प्रेजेंट मोमेंट में रह करके अपने आप को स्थिर करना। तो इसके लिए क्लिमेटिस होती है जो उनको वापस प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर के आने में हेल्प करती है। देन हमारे पास ऑलिव है, ऐसे लोगों के लिए जिनका या तो फिजिकली बहुत ज्यादा थकान वाला दिनचर्या रही होती है, या मेंटली किसी परिस्थितिवश जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं, तो उनके दिमाग को एक जो शांति चाहिए, एक जो जैसे बोलते हैं हमें आराम की जरूरत है, वो आराम जो प्रॉपर है उसको देने के रेस्ट लिए बेसिकली। या तो उसके लिए ऑलिव है। एंड देन बहुत सारा हॉर्नबीम एक रेमेडी है, जहां पे ना
जिसको जहां पे हमें पुश की जरूरत होती है, हम बार बार बोल रहे होते हैं मैं अभी करने जा रही हूँ मेडिटेशन, मैं अब बैठूंगी, मैं ये काम कर लूंगी, मैं फिर बैठूंगी, और पता चलता है कि हमारा दिन स्किप हो गया। सो कुछ ऐसे लोगों को लोगों के धक्का लिए हॉर्न की जरूरत बीम होती है, है, राइट? राइट, ऐसे लोगों के लिए हॉर्न बीम है। सो यस यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ यू नो दिस रेमेडी। एंड कई बार हम इतनी ऑन हड़बड़ी एंड में ऑन होते है। हैं, हाँ यस कई बार यस यस, इतनी हड़बड़ी में होते हैं हम लोग कि हमें, हम बैठे हैं और हमें, हम सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड इतनी देर हो गई है, अभी मेरे को काम पे जाना है, या गृहणियां सोच रही ओ माय गॉड नाश्ते का टाइम हो गया, पता नहीं कितनी देर, मतलब ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊं। तो ये जो एक इम्पेशेंट इम्पेशेंस हमारे अंदर आ जाता है, उसके लिए रेमेडी है इम्पेटियंस। सो यहाँ पर रोनित मैं कितनी भी रेमेडीज का नाम लूंगी ना, वो कम पड़ने वाले हैं। तो मेडिटेशन में डेफिनेटली बहुत सारे रेमेडीज हेल्प करेंगे हमको इस तरीके से। वैसे मैंने एक्सैक्टली देखा है कि कुछ मेरे पास लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि हम मेडिटेशन या योग अपनी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पा रहे हैं। सो रौनित, मुझे पूरा भरोसा है आपके पास भी जरूर कुछ ऐसे केसेस होंगे, अगर कोई है तो प्लीज आप शेयर करें। हाँ, डेफिनेटली देखिए ना, आप आपके बॉडी में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ बॉडी में पेन है या लाइक समथिंग, हाँ, तो आप क्या आप पेन पे फोकस रहेगा, आप कैसे मेडिटेट करोगे? तो पहले उससे बाहर निकलना भी जरूरी है। जैसे मेरा एक केस था जिनको अर्थराइटिक पेन था, अब वो नीचे बैठने में भी प्रॉब्लम है उनको, या फिर अगर चेयर पे बैठ के भी मेडिटेट करे तभी भी उनसे पूरा ध्यान उनका पेन पे जा रहा होता है। तो मेडिटेट कैसे करेंगे अगर आप आपका पूरा ध्यान पेन पे जा रहा है तो, राइट? तो पहले वो फिजिकल डिजीज जो है उससे बाहर निकलना पैरों इंपॉर्टेंट है। की स्थिति को ही बदलते रह जाते हैं। तो उनका क्या, जब वैसे जैसे मैंने उनको जब ट्रीट किया तो उनका अर्थराइटिक पेन चला गया, और उसके बाद वो बहुत सुंदर तरीके से मेडिटेट कर रही थी। और भी बहुत सारे डिजीज है जिनमें प्रॉब्लम आता है, वो भी ऑन एंड ऑन है, राइट? हाँ, लाइक जैसे आजकल आप देखिए यंगस्टर्स में बीपी का प्रॉब्लम कितना ज्यादा है, उसमें कोई एज बार्स नहीं रह गए हैं। अब यंग एज में भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। देन ओसीडीज हैं, शिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर्स हैं। एंड आप देखिए, एक जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग प्रॉब्लम है, जो कि यंगस्टर्स से लेकर के ओल्ड एज लोगों तक में भी आप देखेंगे, दैट इज इनसोमनिया, नींद नहीं आने की समस्या। बहुत और इस समस्या लोग, तो हाँ इतने लोग हैं, आपको शायद हर घर में एक बंदा तो मिल जाएगा अगर हम एवरेज लगा करके देखें तो। सो जब मैं इसमें बैच तो फ्लावर स्टार्ट किया मैं था तब मेरी दादी को ये था, तो उनको देख के सी वाज लाइक वाओ, इतने सालों से मैं सो नहीं पा रही थी और मैं अब आराम से सो पा रही हूँ। बिल्कुल, इतने पेशेंट्स इसके ठीक हुए हैं, एंड रिजल्ट्स आर वंडरफुल। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जो है कि ये ना तो कोई साइड इफेक्ट देती है, ना ही आपको इसकी आदत पड़ती है। लोगों का यूजुअली रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज आप कुछ ऐसा दें जिसकी हमें आदत ना पड़े, कि हमें हमेशा हमें ये दवाई खानी पड़ेगी अच्छी नींद आने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं होती है कि आपको हमेशा इसके ऊपर निर्भर रहना है। जस्ट कुछ समय के लिए आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के हिसाब से एक टाइम ड्यूरेशन होता है जब तक आपको ये लेनी होती है केवल, उसके बाद आपको साउंड स्लीप खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बैच फ्लावर, कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी एडिक्शन, आप ट्रीट होते हैं, हील होते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। कोल्ड कप तक बिल्कुल, जैसी चीज में यस यस, बहुत डे टू डे लाइफ जो देख रहे हैं, किसी को कोल्ड है, कॉफ है, जैसे आपने बोला, तो बहुत छोटी छोटी भी हम आराम से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल। एंड डॉक्टर बैच का भी तो यही कहना था ना रोनित, वो यस उन्होंने यस, इस साइंस को इसीलिए इतना सिंपल और इतना अच्छे से सबके लिए सर्व सुलभ बनाया कि ये हर घर में अवेलेबल हो। बिल्कुल उनका मानना था कि जैसे हमें भूख लगती है और हम फ्रिज खोलते हैं, या हमारे घर में कुछ खाना रखा होता है, ब्रेड्स रखे होते हैं, फ्रूट्स रखे होते हैं और हमने खा लिया, सेम ऐसे ही अगर हमको कभी कोई डिजीज आया, कोई प्रॉब्लम आया और हमारे पास में बैचलर किट है और हमने उसको बस इनटेक किया एंड वी आर आउट ऑफ इट। सो इससे सिंपल मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ हो सकता है ना रौनित? यस डेफिनेटली, एकदम ऐसा ही है। मेरा भी इसी तरीके से काफी कुछ एक्सपीरियंस रहा है, राइट? और कुछ सवाल भी है, जैसे एक जन पूछ रहे हैं कि सोल पर्पस कैसे, सोल पर्पस का क्या फ्लावर हो सकता है, या कैसे वो एसेंस क्या है?
सो देखिए, सोल पर्पस क्या है, हम जब लोग स्पेशली जब हम अध्यात्म मार्ग पे होते हैं या वैसे भी लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कर कुछ रहे हैं बट संतुष्टि नहीं है। आज मैंने इंजीनियरिंग किया बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैंने मेडिकल किया आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्टेड, आई नीड समथिंग एल्स। बाकी लोगों की दुनिया में नजरों में शायद आप बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन खुद आपको अंदर से संतुष्टि नहीं है। सो यहाँ पर लोग भटक रहे होते हैं सोल पर्पस के लिए। तो दिस इज सोल पर्पस। तो सोल पर्पस दिस इज आपको नॉट व्हाट आई कैसे मेंट टू पता डू, राइट? चलेगा? हाँ, कैसे पता यस यस चलेगा? आपकी अंतरात्मा की आवाज ही आपको बताती है कि आपका सोल पर्पस क्या है। वो अंदर से जो एक आवाज आती है ना कि नहीं, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, दिस इज आई मेंट फॉर दिस, मेरे को यही करना था हमेशा से। तो वो सुनने के लिए आपको शांत मन की जरूरत है, और वो यस शांत मन, वो डिरेक्शन, वो सही राह, जब आप ठीक से टिक करके बैठते हैं, आपका मन शांत होता है, उसके बाद खुद ब खुद आपको अंदर से आपकी आवाज बताती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो रेमेडी हमारे पास है एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली, बिलीव मी। मैंने शुरू में ही मेंशन किया, जैसे रोनित का भी मानना है, हमें हमारा सोल पर्पस, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, तो जब मैं अपना लेवल 1 कोर्स बैचलर का कर रही थी, मुझे उस दौरान ही पता चला था कि मेरा एक्चुअली में लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। सो आई थिंक यू शुड ट्राई इट वंस टू फाइंड योर सोल पर्पस, देखते हैं मिलता है तो। डेफिनेटली तो देखिए, और भी बहुत कुछ है जो इससे हम बहुत सारे इमोशंस है जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो सबके लिए बहुत सुनहरा मौका है, शेफाली जी का एक कोर्स अनाउंस हो रहा है जो 28 जून से लेके 2 जुलाई तक है। सिर्फ रोज 2 घंटे पर 6:30 से 8:30 आपको आना है, जूम पे होगा ये। तो आप अपने घर के कंफर्ट लेवल से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच फ्लावर से बेसिकली आपको अपने बारे में जानने मिलेगा और आजू बाजू के लोगों के इमोशंस भी किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारा का एक डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आप क्यों इस इमोशन पे जा रहे हो, वो सब सीखने को मिलेगा। और सी इज एन अमेजिंग ट्रेनर, बहुत बहुत प्यार से पढ़ाती है और सी इज वेरी एंथुजियास्टिक, राइट? सो थैंक आइए इस कोर्स, यू। आइए बैच फ्लावर क्या है शेफाली जी से, राइट? या सो सो नाइस टॉकिंग विथ यू शेफाली जी, सेम हियर थैंक रोनित, यू। उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही फ्यूचर में और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के संग में और डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस के संग में वापस से लाइव पर आएंगे, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा हमको चाहिए। आप लोग इसके बारे में हमारे वीडियोस देखते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।